नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल पर। हम आपको बता दें कि जी कप के जो सेकंड राउंड की सीट अलॉटमेंट की रिजल्ट थी वो आ गई है। आप लोग अपने जाकर चेक कर सकते हैं। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कैंडिडेट एक्टिविटीज बोर्ड पर आपको राउंड टू सीट अलॉटमेंट की जो रिजल्ट है वो सामने दिख जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बात कर लें थर्ड राउंड की, तो आपके जो थर्ड राउंड है उनका जो चॉइस फिलिंग है वो 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में चलेगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट की जो डेट दी गई है वो 5 तारीख को निर्धारित की गई है। तो जो लोग फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में क्लियर नहीं कर पाए हैं वो थर्ड राउंड भी क्लियर कर सकते हैं। जिनका नाम सेकंड राउंड के सीट अलॉटमेंट में नहीं आया है वो थर्ड राउंड में अपना चॉइस फिलिंग करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में होगा। फिर से हम आपको बता दें कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि ये इंजीनियरिंग और अदर कोर्स के लिए है। डी फार्मा के बच्चे अभी इसमें चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके जो डेट है वो आई ही नहीं है। ये इंजीनियरिंग और अदर कोर्स के बच्चों के लिए डेट आई हुई है। फिर से बता दूं, जिसका थर्ड राउंड 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में होगा, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करें। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा चॉइस फिलिंग करने का। आप वहां पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपना पासवर्ड, नाम और रोल नंबर अपडेट डालेंगे उसमें, तो आपके जो पेज है वो खुल के आ जाएगी। तो ये थी आज की हमारी नोटिफिकेशन वीडियो। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।